आवारा जानवरों की जिंदगी बहुत ही कठिन होती है। अक्सर जब वो रास्ते पे गाड़ियों से टकराते हैं तब उनमें फ्रैक्चर या नसों की टूटने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन एक बार एक फ्रैक्चर ठीक हो जाने के बाद हम बचाव कर्मी एक आसान काम कर सकते हैं जिससे वो जानवर वापस घूम फिर सके। फिजियोथेरेपी एक जानवर के नसों के विकास को गति देता है और यहाँ तक कि उन्हें अपने नर्वस सिस्टम को वापस क्रियाशील बनाने में भी मदद कर सकता है। एक बार वेट उन्हें ठीक कर देते हैं और उनका फ्रैक्चर या कोई अन्य चोट ठीक हो जाती है तो उन्हें फिर से चलने में मदद करने के लिए ये चीजें करें। 5 मिनट तक पैर को उनके शरीर की ओर ऊपर नीचे करें। इसे बहुत जोर से ना करें या खींचे ना, लेकिन एक समान गति से और धीरे से करते रहिए। अगर आप कुछ प्रतिरोध महसूस कर रहे हैं तो वे अपनी नसों को मजबूत कर रहे हैं। अगर कोई प्रतिरोध नहीं है तो चिंता मत करें, यह अभी भी मदद कर रहा है। अब 5 मिनट के लिए एक दिशा में उनके पैर को गोल घुमाएं। इसे करते हुए पैर को जितना ज्यादा खींच सके उतना खींचे, लेकिन ध्यान रखें कि उन्हें दर्द नहीं पहुंच रहा। अब पैर को उल्टी दिशा में घुमाएं और इसको 5 मिनट तक करते रहें। अगर जानवर खड़ा हो रहा है लेकिन चल नहीं रहा, या अगर वो 2 पैरों पे वजन ले सकता है, तो उनकी छाती को एक हार्नेस या चौड़े कपड़े से सहारा दे और उन्हें 5 मिनट तक चलने में मदद करें। उन्हें अपने पैरों को पूरी तरह से उठने के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें अपने पैरों पर कुछ भार सहन करने दें। अगर वो हिलने के लिए तैयार नहीं है तो किसी की मदद लेके उन्हें आगे बढ़ाएं। इसे दिन में 2 बार करें। कई मामलों में जानवर वापस पहले जैसे चल या घूम सकते हैं। क्या आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक से ज्यादा यूट्यूब पसंद है? तो हमारा चैनल है youtube.com/peoplefarm।